अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेबकास किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बना रही हूँ वो है सिंधी फिश मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं, उसके बाद हम फिश को फ्राई करेंगे। तो एक पॉट चाहिए होगा मुझे, चूल्हा में जला देती हूँ। और पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ, 3 to 4 टेबलस्पून आप ऑयल डालेंगे। चाहे अगर आपको ज़्यादा पसंद है तेल तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई सख्ती नहीं है। जितना आपका दिल करे आप उतना डाल सकते हैं, जितना आप लोग नॉर्मल सालन में पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैंने प्याज जो है इस तरह रिंग्स में काट के रखा हुआ है, और ये 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं, इस तरीके से रिंग्स में काट के रखी हुई है मैंने। तो ये डल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मैं ये एक दालचीनी का टुकड़ा ले रही हूँ, ये डलेगा। और ये 5 से 6 अदर साबित काली मिर्च डलेंगी। इसके बाद मैंने आलू लिए हुए, इनको भी मैंने ऐसे गोल गोल काट लिया, और इनकी चौड़ाई देख लें, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मतलब ना बारीक है कि टूट जाए और ना इतने ज़्यादा है कि गलने में टाइम लगे। इनको भी हम प्याज के साथ ही डाल देंगे। सो करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसको मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन दे के छोड़ दूंगी ताकि ये पके। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। अच्छा जी, तो 5 मिनट हो गए और चेक करते हैं आलू और प्याज को, अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 जवे लहसुन के, जो कि मैंने बारीक चॉप करके डाले हैं, रखे हैं। ये चलेगा इसमें, करेंगे अच्छे से मिक्स। 1 मिनट तक हम लहसुन को सौते करेंगे। 1 मिनट हो गया और लहसुन सौते हो गई है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, ये 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर दिया। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद मसाले डालेंगे, नमक एज़ पर योर टेस्ट 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, और ये धनिया पाउडर है ये भी 1 चाय का चम्मच, ये सब इसमें जा रहा है। और इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको, अच्छा इसमें पानी नहीं डालेंगे आलूओं को गलाने के लिए, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ता है, उससे आलू गल जाएंगे। और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी, ढक्कन देके तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू गल जाए और टमाटर भी गल जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए, चलें चेक करते हैं। वाओ, ज़बरदस्त सा जी मसाला ये रेडी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू भी हमारे गल गए हैं, ये देखें अच्छे से आलू गल गए हैं। अच्छा, इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ ये 4 हरी मिर्चें, और ये हरा धनिया
एक टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी गार्निश के लिए रख रही हूँ। और ये हमारा रेडी हो गया है। 2 मिनट मैं इसको दम पे दे रही हूँ ताकि हरी मिर्च हो जाए। तो हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, मिर्चों को भी दम आ गया, तो इसका मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद और अब मैं फ़िश स्टार्ट करती हूँ। तो चलें फ़िश स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 250 ग्राम्स बोनलेस फ़िश है, फ़िश फिले है, स्किन भी इसकी रिमूव हुई हुई है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा नमक और एक चुटकी नमक और 1 टेबल स्पून सिरका लगा के छोड़ दिया था 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया है ताकि इसका सिरका और नमक निकल जाए, हल्का सा सिर्फ जायका रह जाए। अच्छा, इसके बाद मैं ये 1 टेबल स्पून मैदा ये इस पर हल्का सा स्प्रिंकल करके और उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। इसकी साइड चेंज करके सेम उसी तरह से, और जहां जहां से रह गया है वहां पर हल्का सा और अब इसको फ्राई करते हैं। तो चलें फ्राई करते हैं। अच्छा, एक फ्राइंग पैन लेंगे और मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, शैलो फ्राई करूँगी तो उतना ही इसमें ऑयल डलेगा, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना। डीप फ्राई नहीं कर रहे, दैट्स इट। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये फिश डाल के और इसको ढक्कन दे दूंगी, क्योंकि फिश जब भी पकती है तो बहुत छिट्टे उड़ते हैं ऑयल के और बड़े पटाखे बनते हैं ऑयल में, तो वो मैं नहीं चाहती, तो इसलिए मैं इसको मीडियम से हाई फ्लेम पर रख के और कवर कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसको लिड दे रही हूँ ताकि एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए, उसके बाद मैं टर्न करूँगी और दूसरे साइड को गोल्डन करेंगे। तो 5 मिनट के लिए पकाते हैं इसको। 2 मिनट हो गए हैं और फिश बहुत शोर कर रही है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। साइडों से मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की ब्राउन होने लगते हैं, तो अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ साइड। बड़े ही आराम से और बहुत खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आया है। अब इसे मजीद मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि दूसरा साइड भी ऐसे गोल्डन हो जाए। तो अब मैं इसके मसाले आपको बता देती हूँ। नमक 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच। इन सब मसालों को मैं करूँगी मिक्स इस तरीके से अच्छे से, और इनको मैं स्प्रिंकल करूँगी फिश के ऊपर। ऐसे और अब हमारी फ़िश और मसाला इसका रेडी है, सिंधी स्टाइल मसाला फ़िश रेडी है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अच्छा, डिश आउट करने से पहले ये मेरे पास कसूरी मेथी है सूखी हुई, और ये मैं थोड़ी सी इस मसाले में भी डालूँगी, तकरीबन ये 1 टेबलस्पून है मेरे पास, ऐसे हाथ से मसल के, क्योंकि फ़िश में कसूरी मेथी ना डले तो मज़ा ही नहीं आता। और ये थोड़ी सी मैं हाथ से मसल के इस फिश के ऊपर डाल रही हूँ, और अब हम करते हैं इसे डिश आउट। फिश मैं निकाल ली, अब मैं मसाला भी निकाल लूँगी इसका ज़बरदस्त किस्म का। और फिर से आप नान रोटी के साथ मज़े ले लेके खाइए।
और मैं इसको कम्प्लीटली डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और सिंधी स्टाइल मज़ेदार सी मसाला फिश रेडी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे थम्स अप देके लाइक करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ, कल फिर एक नई झटपट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।